क्या आप लाइट हाउस देख पा रहे हैं? आज हम इसी लाइट हाउस की काफी सारी तस्वीरें खींचेंगे। और फोटोग्राफी में एक कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं सिमेट्री, और हम इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए ये तस्वीर खींचेंगे। अगर आप देखेंगे तो लाइट हाउस के दोनों बाजू में बोट्स पार्क्ड है, जिसकी वजह से एक सिमेट्री क्रिएट होती है, और हम इसी सिमेट्री का यूज करते हुए ये फोटोग्राफ खींचेंगे कुछ इस तरह से। चलते हैं हम हमारी अगली तस्वीर की तरफ, जहां पे हम इस डक को लाइट हाउस के साथ पोजीशन करने का ट्राई करेंगे। फोटोग्राफी में सबसे जरूरी चीज होती है पेशेंस, और मैं बहुत पेशेंटली वेट कर रहा था कि ये डक लाइट हाउस के साथ फ्रेम में आए, लेकिन वो फ्रेम से भागे जा रहा था। फिर काफी वेट करने के बाद फ्रेम में, और हमने कुछ इस तरह से तस्वीर खींची। हम हमारी अगली तस्वीर में कुछ फोरग्राउंड एलिमेंट्स ऐड करने का ट्राई करेंगे। लाइट हाउस के एग्जैक्टली सामने एक छोटा सा ट्री प्लांटेशन था और एक सूखा हुआ पेड़ था, और हमने इन्हीं एलिमेंट्स को लेकर एक फोटोग्राफ लेने का ट्राई किया कुछ इस तरह से। अगर आप देखेंगे तो इस मरियाना में काफी सारे बोट्स पार्क थी, और हम इन्हीं बोट्स का रिफ्लेक्शन पानी में ढूंढ रहे थे ताकि लाइट हाउस और बोट का रिफ्लेक्शन से काफी अच्छी तस्वीर आए। लेकिन बारिश चालू थी जिसकी वजह से हमें रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से कुछ इस तरह से हम तस्वीर खींच पाए। ओके दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको सबसे अच्छी इमेज कौन सी लगी। अगर ये आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।